हर हर महादेव दोस्तों, सब लोगों को स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। हाँ, एक ज्ञान का वीडियो मान सकते हो उसको, क्योंकि मैंने जैसे कि पिछले ब्लॉग में बताया था कि अपना अकाउंट ऐड कैसे करें, क्योंकि जैसे ही हम गूगल पिन ऐड कर देते तो उसके अगला स्टेप क्या होगा, आगे क्या होगा, तो वो दिखाना चाहता था मैं आप लोगों को। और अकाउंट ऐड कैसे करते हैं एडसन में, मे भी फर्स्ट टाइम है ना, तो चलिए आप लोगों को भी बता देते हैं। सोच के अपना विंडो में देख सकते हो, मैंने अपना गूगल एडसन अकाउंट को ओपन कर दिया है। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि गूगल पिन डालने के बाद उसके आगे क्या होगा। तो आप लोग शिफ्ट कोड और अपना बैंक अकाउंट, सिर्फ IFSC कोड सब कुछ लिख कर रख लेना, वरना बैंक अकाउंट अपने सामने रखना ना। और चलिए चलते सीधे स्क्रीन पे, तो चलिए ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप गूगल एडसन का अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो इस तरीके से आप लोगों के सामने इंटरफेस दिखाई देगा। तो ऊपर 3 लाइन के ऊपर जाके क्लिक करना है आपको, और उसके बाद पेमेंट मेथड में आना है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो वेरिफिकेशन चेक का, अगर आपका ID वगैरह वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ तो यहाँ पर आकर आप लोग ID वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, वरना पेमेंट ऑप्शन में इंफॉर्मेशन में जाके ऐड कर सकते हो। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं और पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाई देंगे पेमेंट अकाउंट्स का, एक एडसन का अकाउंट जैसे कि ब्लॉग रहता है ना, ब्लॉग का रहता है, और एक व्लॉग का रहता है जैसे कि यूट्यूब का। तो यहाँ पर दो ऑप्शन रहते हैं एडसन के अकाउंट से कि कौन से अकाउंट से आपके डॉलर्स वगैरह कलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब पे आके सेलेक्ट कर लेना है ना, और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपके कितने डॉलर्स वगैरह हुए हैं सब कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हाउ यू गेट पेड यानी कि आप अमाउंट कैसे पा सकते हो उसके बारे में दिखाया गया है। अगर आप पहले चेक किया होगा जैसे कि पहले डॉलर वगैरह जब तक $10 कंप्लीट नहीं होते तब तक वहां पर ना एक गूगल पे और फोन पे का ऑप्शन दिखाई देता है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको अगर आप चाहो तो डाल सकते हो वरना नहीं, लेकिन ये ऑप्शन बंद रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर ऐड कर दिया गया है जैसे हम गूगल पिन डालते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल देना है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो बेनिफिशियरी ID जो दिखा हुआ है ये मैंडेटरी नहीं, यानी कि आप डाल भी सकते हो या फिर नहीं भी, उसके कोई ये नहीं है, जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले जो अपना ओरिजिनल नेम है, जैसे ये अपने बैंक अकाउंट में आपका नेम नाम है वो सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पर नाम फिलअप कर देना, पूरा नाम जैसे आपके बैंक अकाउंट में है। तो यहाँ पर पूरा मैंने अपना नाम डाल दिया है, और यहाँ पर है बैंक नेम जो कि यहाँ पर बैंक कौन सा है करके यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग SBI भी लिख सकते हो, जो कि मैं तो मेरा अकाउंट तो SBI का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप कौन से अकाउंट है उसका डाल देना, ठीक है। तो ये मेरा बैंक अकाउंट है, आप लोग भी देख लेना यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर मैंने अपना बैंक अकाउंट नेम डाल दिया। तो उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड है जो कि आपके पासबुक में ही रहेगा, पूरे लास्ट में देखिएगा वहां पर रहेगा। तो यहाँ पर शायद आप कैपिटल में भी लिख सकते हो पूरे के सारे लेटर्स, और कैपिटल स्मॉल भी लिख सकते हो, मुझे भी पता नहीं, पहली बार डाल रहा हूँ ना, तो अगर ये नहीं पकड़ा तो हम बाद में फिर से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन IFSC कोड पूरा का पूरा कैपिटल में ही डालना, जो मेरा IFSC कोड है वो मैं आराम से कैपिटल में ही डाल रहा हूँ, 4-9। ओके, ये हो गया। तो उसके बाद सिर्फ मेन यहीं पर है, आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका बैंक का सिप कोड रहता है ना वो प्रोवाइड नहीं किया जाता, यानी कि ब्रांच वहाँ का है यहाँ का है करके बोला जाता है। तो मुझे जब मैंने मैनेजर को पूछा तो मुझे ये ID दिए उन्होंने, शायद भगवान के दया से ये पकड़ ले, बस वही उम्मीद है मुझे भी। तो ये सिप कोड मैं डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये हुआ 16। एक बार फिर से चेक कर लेते, जितनी बार आप केयरफुली से ध्यान से डालेंगे ना उतनी बार आपको कमी लगेगा, बस अच्छे से फिलअप हो जाए। और यहाँ पर मेन मुद्दा आता है अकाउंट नंबर, जिस तरीके से इसी से तो आपके अकाउंट पर क्रेडिट होगा सब कुछ। नंबर देख देख के डालना आराम से, 2-9। ओके, ये हो गया। यहाँ पर देख सकते हो सारा का सारा मैंने फिलअप कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है जो कि अभी मैं करने वाला। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसके आगे क्या दिखाएगा वो देखेंगे पहले। तो सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क बफरिंग होगा मेरा क्योंकि तो
ज्यादा स्पीड इंटरनेट नहीं है नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल में आ चुका है बैंक ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट करके, तो यहाँ से आपका मंथली अमाउंट आ सकता है। और यहाँ पर और चाहो तो और ऐड पेमेंट का भी फिर से ऑप्शन दिखाया गया है, चाहो तो आप और ज़्यादा अकाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपने अगर गलत फिल की हो तो यहाँ पर आके आप एडिट भी कर सकते हो जहाँ पर ये दिखा रहा है। तो इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो गया, बस अभी $100 का इंतजार रहेगा। तो भाई रात के तकरीबन 11 साढ़े 10 बज रहे होंगे, उस समय मैं अपना दुकान क्लोज करके ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दुकान जब ओपन रहता तो ठीक से बना नहीं पाता, तो इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा टिकी बन गए ना। तो चलिए इसके बाद आप लोगों को फिर से बहुत ही मज़ेदार व्लॉग्स मिलने वाले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, जल्दी से अपन आगे चले जाते। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और मजेदार ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।